क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया का सबसे तन्हा कैदी कौन है, जिसे एक पूरे के पूरे जेल में अकेले अंधेरे कमरे में कैद करके रखा गया है। उसे इस कदर सताया गया कि उसे सब मरा हुआ समझते थे, लेकिन फिर भी उसकी सांसें चलती थी। ये सुनने में भला ही आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। भारत में एक ऐसा कैदी मौजूद है जिसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और उसे उस हत्या के बदले इतनी खतरनाक सजा मिली जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी शुरू होती है गुजरात के समुद्री किनारे में बसे दमन और दीव से, जहां पर एक इंजीनियर अपनी पत्नी के साथ रहता था। काम के सिलसिले से उसे अक्सर घर से दूर रहना पड़ता था और इसी बीच कहा जाता है कि उसका संबंध किसी दूसरी महिला के साथ हो गया। उसे दूसरी महिला इतनी पसंद आ गई कि वो किसी भी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन दूसरी महिला की मौजूदगी उसकी पत्नी को बिल्कुल भी रास नहीं आई। इसी वजह से इन दोनों में लगातार कहासुनी होना शुरू हो गया। एक दिन की बात है जब उसके घर पर कुछ मेहमान आए थे। मेहमानों ने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद मेहमानों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, क्योंकि घर का दरवाजा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बंद था। उस महिला के पति से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उससे भी कोई संपर्क नहीं हो पाया। बाद में जब पुलिस वाले दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो उन्होंने देखा अंदर एक महिला की लाश पड़ी है, जिसकी मौत लगभग एक सप्ताह पहले ही हो चुकी थी। पुलिस वालों ने उसके पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फोरेंसिक जांच में पता चला कि उस महिला की मौत लगभग 8 दिन पहले हो चुकी थी और मौत की वजह थी जहर। पुलिस वालों ने पता करने की कोशिश की कि जहर उस महिला ने खुद लिया या फिर उसे किसी और ने दिया, तो पता चला उस दिन महिला को किसी ने कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर जहर दिया था और सख्ती से पूछताछ करने पर सब सच सामने आ गया। महिला के पति ने बड़ी जल्दी स्वीकार कर लिया कि उसी ने अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटाने के लिए ऐसा किया था। उस आदमी का नाम था दीपक। अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में उस आदमी को जेल की सजा सुनाई जाती है और यहीं से शुरू होती है उस अपराधी के एक खतरनाक जिंदगी की शुरुआत। जैसे उसकी सजा मुकर्रर होती है, पुलिस वाले उसे लेकर दमन और दीव के एक जेल में लेकर जाते हैं। अपराधी ने जब पहली बार उस जेल को देखा तो उसे लगा वाह क्या जेल है। उसके चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती थी। उसे लगा उसे एक बड़े बेहतरीन जेल में बंद किया जा रहा है, जहां से चारों तरफ का बड़ा ही बेहतरीन नजारा देखने को मिलेगा, शांति रहेगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसे दमन और दीव के एक ऐसे जेल में लेकर जाया गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ 7 कैदी मौजूद थे। चारों तरफ समुद्र ही समुद्र दिखाई दे रहा था। ऊंची उठती समुद्र की लहरें, पंछियों की चहचहाट और किसी राजा महाराजा के किले की तरह बना हुआ एक जेल। कुछ ही दिनों बाद उस कैदी को बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी बद से बदतर होती चली गई। एक ऐसा जेल जिसके अंदर लगभग 100 कैदी के कैद होने की जगह मौजूद थी। उस वक्त उस जेल में सिर्फ और सिर्फ 7 कैदी मौजूद थे। महज कुछ ही दिनों के भीतर बाकी 6 के 6 कैदी उस जेल से चले गए और उसके बाद दीपक नाम का वो कैदी जिसने अपनी पत्नी की हत्या की थी वो अकेला रह गया। और आज दमन और दीव के उसी जेल को पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा जेल कहा जाता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 कैदी मौजूद है, और उसके अंदर बंद कैदी को पूरी दुनिया का सबसे अकेला कैदी कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दें, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां पर जेल के अंदर कैदियों को रखने की जितनी क्षमता होती है उससे दुगना या कभी कभी दुगने से भी ज्यादा कैदियों को भर दिया जाता है। क्योंकि भारत सहित दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां पर जेल की जितनी क्षमता है उससे कहीं ज्यादा अपराधी मौजूद हैं। आप भारत के किसी भी जेल में चले जाइए, वहां पर आपको जरूरत से ज्यादा कैदी देखने को मिल जाएंगे। यही वजह है कि जेल के नाम से अच्छे अच्छे अपराधियों को पसीना आ जाता है। जेल के अंदर की समस्याएं तलाशने निकलिए तो इतना कि वो बंद कैदी उनकी गिनती करना भूल जाए। लेकिन आज हम आपको जेलों की ऐसी बदहाल जिंदगी से एकदम हटकर उस जेल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके हैरतअंगेज सच्चाई पर विश्वास ही नहीं होगा। और जब विश्वास होगा तो अधिकांश लोग इस अजीबोगरीब जेल को अपनी जिंदगी में एक बार देखना जरूर चाहेंगे। ये जेल मौजूद है करीब 450 साल पुराने किले के अंदर। आपको बता दें, किले नुमा जेल बाकी जेलों की तरह जमीन पर मौजूद नहीं है बल्कि समुद्र के बीचों बीच एक टापू पर बना हुआ है जिसका नाम है दमन और दीव जेल। कहा जाता है एक वक्त ऐसा था जब इस जेल के अंदर करीब 100 कैदी रहा करते थे। धीरे धीरे जेल की जरूरत वक्त के साथ कम होती गई और वहां के कैदी या तो अपनी सजा पूरी करके वहां से चले गए या फिर उन कैदियों को वहां से शिफ्ट करके कहीं और भेज दिया गया। लेकिन खबरों के मुताबिक इस वक्त वहां जो इकलौता कैदी है उसको वहां से अब तक इसलिए नहीं हटाया गया कि क्योंकि उसके पीछे एक और कारण है। उस कैदी के ऊपर कुछ ऐसी धाराएं लगी हैं
जिसको साबित करना बाकी है। और अदालत का कहना है जब तक उसका अपराध साबित नहीं हो जाता तब तक उसको उसी जेल में बंद रखा जाए। कहा जाता है कि इस जेल को आज से करीब 500 साल पहले पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। हालांकि उस वक्त पुर्तगालियों ने इसे जेल के रूप में प्रयोग करने के लिए नहीं बल्कि अपने किले के तौर पर बनाया था। पुर्तगालियों के वहां से जाने के बाद उस किले को जेल में तब्दील कर दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज इस जेल में जो एक कैदी बंद है उसकी देखरेख के लिए करीब 9 पुलिस वाले हर वक्त मौजूद रहते हैं। इतना ही नहीं, उस अकेले कैदी के लिए भोजन की व्यवस्था बड़ी गजब का किया गया है। उस कैदी के लिए हर दिन टाइम से पास के एक रेस्टोरेंट में खाना मंगवाया जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कैदी के लिए रेस्टोरेंट से खाना आता है उस पर कितना अधिक खर्चा होता होगा। लेकिन इसके पीछे की मजबूरी है सिर्फ एक कैदी के लिए। अगर किसी बावर्ची को रखा जाएगा तो उसका खर्चा ज्यादा आएगा। अकेले होने की वजह से वो कैदी कभी कभी बहुत परेशान हो जाता है, इसलिए जेल में टीवी की भी व्यवस्था की गई है। हालांकि ये बात अलग है कि टीवी पर उसे सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, उसे अकेले कैदी के लिए जेल में रोजाना अखबार भी मंगाया जाता है और एक पुलिस वाला उसे हर शाम को एक घंटे के लिए टहलने के लिए भी लेकर जाता है। खैर, ये तो बात हो गई भारत के एक अजीबोगरीब जेल की बात। लेकिन अब हम आपको भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे बड़े और खतरनाक जेल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है तिहाड़ जेल, जिसके अंदर सजाए मौत वाले कैदियों के चीखने चिल्लाने की, उनकी आत्माओं को देखने की वारदात होती रहती है। दोस्तों, आपको बता दें कि तिहाड़ जेल में कैदियों को रखने की जितने क्षमता है उससे 3 गुना कैदी हर वक्त वहां रहते हैं। इतना ही नहीं, तिहाड़ जेल के अंदर लगभग 10 अलग अलग कैटेगरी के जेल मौजूद हैं और उनमें से जो जेल नंबर 3 है उसे बड़ा खतरनाक माना जाता है क्योंकि कोई भी अपराधी वहां जाना नहीं चाहता। इसके पीछे का कारण है जेल नंबर 3 में ही फांसी घर मौजूद है जहां पर सजाए मौत वाले कैदियों को फांसी दी जाती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आजादी के बाद तिहाड़ जेल में करीब 35 फांसियां हुई है और ये सभी फांसी जेल नंबर 3 में हुई है। साथ ही सबसे हैरत वाली बात यह है कि यहाँ हुई फांसी का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। इसके अलावा कहा यह भी जाता है कि जेल नंबर 3 में रात के समय कैदियों को अजीबोगरीब चीखने और चिल्लाने की आवाजें भी आती है। जेल नंबर 3 के कैदियों ने कई बार इसकी शिकायत जेल प्रशासन से भी की है। इतना ही नहीं, जेल नंबर 3 की सुरक्षा में तैनात तमिलनाडु स्पेशल पुलिस के जवान भी कथित रूप से मृत आत्माओं के चीखने चिल्लाने और उनके ऊपर हमले की बात जेल के अधिकारियों तक पहुंचा चुके हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जेल नंबर 3 की फांसी कोठी के पास एक मर्डर भी हुआ था। बाद में जब जेल के लोगों से मर्डर के बारे में पूछताछ की गई तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि आतंकी मकबूल भट्ट के भूत ने उसे कत्ल करने को कहा था। मकबूल भट्ट की मौत कई साल पहले ही हो चुकी थी। इतना ही नहीं, तिहाड़ जेल के अंदर कई बार लोगों ने मकबूल भट्ट के भूत देखे जाने की बात कही है। मकबूल भट्ट के अलावा भारतीय संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को तिहाड़ के इसी जेल में फांसी दी गई थी और उसी जेल में उसका शव दफनाया गया था। इन सब के अलावा तिहाड़ के जेल नंबर 3 में ही निर्भया गैंग रेप के एक दोषी राम सिंह ने भी आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद 16 दिसंबर 2012 को निर्भया गैंग रेप की वारदात में शामिल चारों दोषियों मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर को 20 मार्च 2020 को सुबह 5:30 बजे तिहाड़ की जेल नंबर 3 में ही एक साथ फांसी पर लटकाया गया। इसके अलावा तिहाड़ जेल को बहुत खतरनाक इसलिए भी माना जाता है क्योंकि तिहाड़ जेल के अंदर महज 6,000 अपराधियों को कैद करने की क्षमता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तिहाड़ जेल में इस वक्त 14,000 से ज्यादा अपराधी कैद हैं। इतना ही नहीं, तिहाड़ जेल के अंदर बंद होने के बावजूद भी अंदर कई खतरनाक गैंग काम करते हैं। अंदर आने वाले नए कैदियों को बहुत ही बुरी तरह से परेशान किया जाता है और कभी कभी उनकी हत्या भी जेल के अंदर ही हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जेल के अंदर अब तक कई हत्याएं हो चुकी है। अगर आप तिहाड़ जेल के बारे में डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी वीडियोस लाती रहती है।